सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल आरबी एक्सप्लोरर। आज के एक वीडियो में हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एक्स फ्लैशर की, और ये है बुलेट का। मैंने सर्च किया नेट पे कि मेरे को बुलेट में एक्स फ्लैशर कैसे लगाना है, कोई वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही एक वीडियो बना देता हूँ। आप सबको भी हेल्प हो जाएगी और मेरे को भी कुछ छोटा मोटा कंटेंट मिलता रहेगा, तो मैं बनाता रहूँगा। बुलेट क्लासिक और स्टैंडर्ड दोनों में सेम ही लगता है, और हम उनमें बल्ब भी चेंज करने वाले हैं। मैं बल्ब भी दिखाता हूँ आपको, मैं कौन से बल्ब लगा रहा हूँ। बाकी तो कुछ इतना खास है नहीं, उसमें सिर्फ एक एक्सफ्लैशर लगाना है, और मैं बताता हूँ ये एक्सफ्लैशर कहाँ फिट होता है, क्योंकि ये आपको पता होगा प्लग एंड प्ले होता है, और इसकी कंपनी होती है रेस डायनेमिक। आपने सबने सुना होगा पावर टॉनिक जो बनाते हैं, उसकी जो हेड वाली बड़ी कंपनी होती है, मतलब पावर टॉनिक की जो कंपनी है वो है रेस डायनेमिक। रेस डायनेमिक वाले पावर टॉनिक बनाते हैं। वैसे ही रेस डायनेमिक वालों का एक ये भी प्रोडक्ट आता है एक्सफ्लैशर नाम से, जो हैजार्ड का काम करता है, हर बाइक में लग जाता है, ऑलमोस्ट हर बाइक के लिए आता है, यूनिवर्सल नहीं आता। बस इसमें यूनिवर्सल के लिए आपको सिमटेक पे जाना पड़ेगा, बाकी तो हर अगर कोई भी बाइक चाहिए, किसी भी बाइक का चाहिए, आपको मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है हर बाइक का ही मिल जाएगा। बाकी कुछ खास नहीं होता है इसमें, सिर्फ एक ये मॉड्यूल होता है, ये देख पा रहे होगे, और उसके साथ एक ये वायरिंग होती है। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, ये वायरिंग होती है, ये आपके स्टॉक बाइक के कपलर में लग जाएगी बिल्कुल प्रॉपर, और ये मॉड्यूल में लग जाएगी ये वाला कपलर। कुछ भी नहीं करना, बस ये तीन चीज़ें जोड़ दी और आपका फ्लैशर ऑन हो जाएगा। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और बल्ब भी चेंज करके दिखाता हूँ। गाइस, ये है वो बाइक जिसमें हम एक्स फ्लैशर लगाने वाले हैं। नॉर्मल फ्लैशर क्या होता है, ये खोलने के बाद लगते हैं, यहाँ पे लगते हैं, जैसे इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है सिमटेक का। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिमटेक के लिए आपको नॉर्मली बाइक ऑन करी और यहाँ से आपको ऑन ऑफ करना पड़ता है फ्लैशर को। ये ऑन हो गया, ठीक है, और इसमें यहाँ एक नीचे बटन होता है जिससे फ्लैशर का पैटर्न चेंज होगा। एक्स फ्लैशर में ये सारा झंझट हटा के आपको यहाँ से आ जाता है, यहाँ से ऑन होगा, यहीं से ऑफ होगा, वो बेस्ट रहता है। स्विच अलग से लगा हुआ जो भी होगा वो हट जाएगा, तो इसीलिए अब एक्स फ्लैशर हम इसमें फिट करने वाले, वरना सिमटेक बहुत प्यारा लगा हुआ था इसमें, लेकिन तब भी हम कर रहे हैं इसमें। और LED इंडिकेटर तो मस्ट होते ही होते हैं, बाकी करते हैं। सो गाइज, ये देखो, आपको ये वाली सीट हटानी है और कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको ये सीट खोलने के लिए ये नट है, ये नट खोल दो और निकल जाएगी सीट, निकाल दो बस। दोनों साइड के ये नट खोलता हूँ, फिर मिलता हूँ। गाइज, आपको ये सीट भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कपलर आ रहा होगा, ये कपलर देख लो, 6 पिन वाला कपलर है, ये 6 पिन वाला कपलर आ रहा होगा, उन दोनों को अलग करना, और ये वाले कपलर आपको हैजार्ड के साथ मिलेगा, एक आपका इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। दिखा देता हूँ कहाँ गया कपलर, हाँ वो देखो, एक कपलर आपको दिख रहा होगा उधर लग जाएगा, और यहाँ पे आपका हैजार्ड लग जाएगा, और दैट्स इट, ये फ्लैशर चालू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये कपलर टू कपलर में ये हैजार्ड आप लगाओगे, देख सकते हो फ्लैशर ऑन हो चुका है, बैकलाइट भी फ्लैश कर दिए। तो इसका एक्टिवेशन होता है राइट लेफ्ट राइट सेंटर, अभी देखो ये फ्लैशर ऑन हो गया, ठीक है, बस इतना ही है। हो चुका है फिट, और जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करोगे, एक्स फ्लैशर की खासियत है ये, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, ये देखो ये ब्लिंकर देख रहे हो, ये ऑन होंगे, ओ भाई बड़ा प्यारा लगता है। और यहाँ से आपको करना है लेफ्ट सॉरी राइट लेफ्ट राइट सेंटर, और आपका फ्लैशर ऑन। ओ ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, दोबारा राइट लेफ्ट राइट सेंटर, थोड़ा सा तेज करना पड़ता है, मैं धीरे किया था, बस ये दिक्कत हो गई। ये देखो इसमें 60 पैटर्न है, बहुत पैटर्न है, गिनते गिनते एक दिन तो पूरा ट्राई कर लेना कि क्या है, कितने पैटर्न है, कैसे हैं, बहुत प्यारी है। बाकी ये हेडलाइट भी चाहिए हो तो DM कर सकते हो, एक्स फ्लैशर चाहिए DM कर सकते हो, एक्स फ्लैशर के लिए बल्ब्स चाहिए तो भी DM कर सकते हो, कुछ भी चाहिए आप मेरे को DM कर सकते हो। बाकी मैं ये बाइक छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ।